उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में पिछले 9 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक नए तरीके की ड्रिल शुरू करने की तैयारी है। मजदूरों को निकालने के लिए टनल के ऊपर से ड्रिल करने की कोशिश हो रही है। ये वर्टिकल ड्रिल काफी अहम मानी जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए जरूरी मशीनों को पहुंचाने का काम भी शुरू हो चुका है और इसके लिए एक बीआरओ की ओर से सड़क बनाई जा रही है। इस नए विकल्प से रेस्क्यू टीम और मजदूरों के परिवार वालों को अब आस जगी है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। जिंदगी बचाने के लिए 5 एजेंसियों ने संभाला मोर्चा। 41 मजदूरों के लिए ऑपरेशन जिंदगी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए एक से बढ़कर एक मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। ऑपरेशन में जुटी कुछ मशीनें टनल में फंसे मजदूरों से कुछ ही मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन इस दूरी को तय करने में काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम कई और विकल्पों में जुट गई। And we're going to find the solution and we're going to get them out. A lot of work has been done. And it's really important that not only are the men rescued, but also the men that are rescuing are safe. The whole world is helping and the team here are fantastic. The plans are looking fantastic. What's going on? And it's very systematic. Operation Zindagi mein vertical drilling plan. 12 नवंबर से जिंदगी की आस में सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बचाने की कोशिशों के बीच उम्मीद की नई किरण जग गई, क्योंकि अब उन मजदूरों को बचाने के लिए पहाड़ी पर वर्टिकल होल बनाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके लिए सुरंग के ऊपर ऊंची पहाड़ी पर एक जगह की पहचान कर ली गई है और उसी जगह से पहाड़ी के जरिए एक होल बनाकर अंदर फंसे मजदूरों तक रास्ता तय किया जाएगा। वर्टिकल ड्रिलिंग प्लान के मुताबिक सुरंग के ऊपर से ड्रिल की जाएगी और करीब 88 मीटर तक ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंचने का प्लान है। वर्टिकल सुरंग बनाने के लिए गुजरात और ओडिशा से मशीनें मंगवाई गई हैं और इसके लिए ओएनजीसी के विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। एक मशीन जो वो 40 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुकी है साइट के लोकेशन पे। दो मशीनें ऑन द वे हैं। वो एक जो हीराकुड से आएगी वो अभी शाम तक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा उसका। एक बलसाड़ से आ रही है गुजरात से, वो 11 बजे जो वो वहां से स्टार्ट हो गई है, पूरी लोडिंग हो गई है तो वो बाहर हो रहा है। हालांकि पहाड़ी पर सुरंग के जिस हिस्से से खुदाई होनी है वहां तक मशीनों को पहुंचाने के लिए एक रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। 12 नवंबर दिवाली का दिन था जब सुरंग का निर्माण कार्य जोरों पर था। उसी वक्त सुरंग के अंदर काम कर रहे 41 मजदूरों को इस बात का इल्म नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में उनके सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। उसी वक्त अचानक से भूस्खलन हुआ और सुरंग के करीब 200 मीटर अंदर उनकी जिंदगी मुश्किल में फंस गई। आनंद फानंद में ऑपरेशन जिंदगी शुरू की गई। अंदर फंसे मजदूरों को ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि उन्हें हर कीमत पर बचा लिया जाएगा। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए कई एजेंसियां काम में जुटी हैं, जिनमें तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC, सतलुज जल विद्युत निगम यानी SJVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड THDCL के नाम शामिल हैं। टनल में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर है। पीएम ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। अब तक टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री 3 बार जानकारी ले चुके हैं, यानी पीएमओ की तरफ से लगातार हालात पर निगरानी रखी जा रही है। ऑपरेशन जिंदगी में रोबोट की मदद। ऑपरेशन जिंदगी के लिए DRDO की मदद दी जा रही है। सुरंग में 41 मजदूर पिछले 9 दिन से फंसे हैं, जिन्हें सकुशल निकालने के लिए तस्वीरों में दिखाई दे रहे इसी तरह के कई उपकरण DRDO से मंगवाए गए हैं, ताकि इनकी मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। DRDO से रिमोट की मदद से चलने वाले व्हीकल समेत माइक्रो ड्रोन मंगवाया गया है, जिसे पाइप के जरिए सुरंग में भेजकर मजदूरों को देखा जा सके। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को भले ही अभी तक निकाल पाने में सफलता नहीं मिली हो, लेकिन राहत की बात यह है कि उन लोगों को ऑक्सीजन,
खाने पीने की चीजें लगातार भेजी जा रही हैं। उन मजदूरों को एक पाइप के जरिए खाने की चीजें और पानी पहुंचाया जा रहा है। घबराहट और रोशनी ना होने की वजह से मजदूरों की तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए राहत बचाव की टीम दवाइयां भी मजदूरों तक पहुंचा रही है। सामने आया एक वीडियो में मजदूरों तक चना, ड्राई फ्रूट्स और मुरमुरे पहुंचाए जा रहे हैं। साथ ही अलग से एक मोटा पाइप ड्रिल करके लगाया जा रहा है ताकि मजदूरों का रेस्क्यू होने तक उनके पास खाना पहुंचाया जा सके। तो चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स और फिर उसके बाद एक दो दिन के बाद लोगों ने सजेस्ट किया, तो क्योंकि सनलाइट तो नहीं मिलेगी, ये बात सही है, तो विटामिन बी, विटामिन सी, उस टाइप की चीज जो डॉक्टर्स ने एडवाइस की। यही नहीं, टनल के अंदर फंसे मजदूरों को ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि उन्हें जरूर बचा लिया जाएगा। इस बीच टनल में फंसे मजदूरों से वहां मौजूद यूपी के अधिकारियों ने बात की और उन्हें हिम्मत बंधाई, साथ ही कहा कि जल्द ही इनका रेस्क्यू कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश आपदा सचिव अरुण मिश्रा ने इन मजदूरों से कहा कि हिम्मत बनाए रखें, पूरा देश आप लोगों के साथ है। हिम्मत बनाए रहो, लेकिन हिम्मत ही एक दवाई है और कुछ नहीं है। हाँ, पूरे देश का दुआ है, सब लोग, पूरा देश आप लोगों के लिए दुआ कर रहा है। टनल के अंदर से कुछ मजदूरों ने पूछा कि उन्हें कब तक निकाला जाएगा। अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा ने जब अंदर फंसे मजदूरों को बताया कि उनके परिवार के लोग भी घटनास्थल पर मौजूद हैं, तो उन्होंने अपने परिवार के बारे में पूछा।